करके चलता हूं। ये अन्न की लाल पोटली, लाल टोपी और अन्न की लाल पोटली इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। और हमने तो कहा कि अन्न संकल्प कोई भी ले सकता है, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए और हटाने के लिए और इनको भगाने के लिए। अभी जैन चौधरी जाएंगे तो हम दोनों लोग पकड़ेंगे ना, दोनों लोग पोटली दोबारा दिखाएंगे, क्योंकि ये गैप फिल कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। इसलिए जो किसानों की आय दोगुनी की बात किए थे, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, न गन्ने का भुगतान हुआ और गरीबों को किसानों को मजबूर कर दिया कि वो राशन पे अपना जीवन यापन करें। बताओ, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, बताइए 80 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया इन्होंने, किसी के घर में नौकरी रोजगार नहीं। इसलिए अब जैन चौधरी जी भी आ गए हैं, तो इसलिए मैंने शुरू कर दिया। इसलिए उत्तर प्रदेश के किसानों ने मन बनाया है, उत्तर प्रदेश के किसानों ने मन बनाया है। ये जितने भी कार्यकर्ता है पीछे हो जाए, बिल्कुल कार्यकर्ता बिल्कुल पीछे हो जाए। ये पत्रकार के साथियों ने कहा, अपनी माताओं बहनों से भी निवेदन है, अपनी ये माताओं बहनों से भी निवेदन है, सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के निवेदन है, भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाने दो, बात रखने दो अपने नेताओं को, प्रेस वाले लोगों को बात सुनने दो प्लीज, कृपया माहौल बनाए रखो, पीछे हो जाओ, सभी कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के निवेदन है, मीडिया भाइयों को काम करने दो, सब आप ही के लिए आए हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। अब शुरू कर सकते हैं हम लोग, शुरू कर सकते हैं प्रेस के साथियों, क्योंकि मैं बातचीत किसान पे कर रहा था और जिस तरीके से किसान अपमानित हुए थे, मैं बधाई देना चाहता हूं सभी किसानों को कि जिनकी हिम्मत की वजह से, जिनकी बहादुरी और साहस की वजह से, जिनकी साहस की वजह से ये पीछे। एक मैरिज गार्डन में प्रभावित मतदाताओं से चुनाव पर चर्चा के लिए आ रही हैं। उनके साथ रालोद के सुप्रीमो जयंत चौधरी भी मौजूद रहेंगे। दोनों ही नेताओं की सुरक्षा को लेकर कड़े बंदोबस्त किए गए हैं।